विद अ वेरी गुड मॉर्निंग, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आप मुझे जानते हैं, माई नेम सामन। द सेकेंड एडिटोरियल ऑफ द हिंदू टूडे वी आर गोना लुक एट, ये अजय गुड़ावर्ती जी के बाजू में है, कॉट नैपिंग। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। ईजी एडिटोरियल है, मैं इसको 10 में से 5 मार्क्स दूंगा। आप में से आधे लोग अगर कोशिश करें तो इस एडिटोरियल को खुद भी पढ़ सकते हैं। तो यही सजेस्ट करूंगा मैं आपको कि पहले आप इसको खुद पढ़ें और जिन सेंटेंसेस पे और जिन पैराग्राफ्स में आपको दिक्कत है आप इस वीडियो से उसके लिए हेल्प लें। चलिए शुरू करते हैं। कॉट नैपिंग, कॉट मतलब पकड़े जाना, नैपिंग मतलब झपकी लेते हुए। तो झपकी लेते हुए पकड़े जाना उसको बोलते हैं कॉट नैपिंग। केरला की बात कर रहा है। देखिए केरला मेक्स अप फॉर लॉस फोकस। देखिए मेक्स अप फॉर, ये मेक अप फॉर जो है ना, इस फ्रेज का मतलब होता है भरपाई करना। मेक अप बना लेना, फॉर मतलब कोई चीज़ है जिसके लिए आप भरपाई कर रहे हो, उसकी पूर्ति कर रहे हो। तो केरला पूर्ति कर रहा है, भरपाई कर रहा है इसकी लॉस्ट फोकस की। ऐसा फोकस, ऐसी अटेंशन जो कि लॉस्ट है, मतलब जो ध्यान जिन जगहों पे इनको देना चाहिए था वहाँ इन्होंने फोकस नहीं किया, अब कर रहा है उसकी भरपाई। अच्छा कैसे कर रहा है? बाय एक्टिंग क्विकली। एक्टिंग मतलब कुछ काम करना और क्विकली मतलब जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी जो है फुर्ती से कुछ करके, और ये क्या कर रहा है? एक्टिंग क्विकली कर रहा है ऑन नीपा आउटब्रेक पे। देखिए आउटब्रेक क्या होता है, इस वर्ड को तोड़ के देखते हैं। आउट मतलब बाहर और ब्रेक मतलब टूटना। तो टूट करके बाहर आना मतलब विस्फोट होना, प्रकोप होना। जब भी आउटब्रेक हम यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं वायरसेस के साथ और बीमारियों के साथ। तो केरला क्या है, जो नीपा का आउटब्रेक हो रहा है उस पर क्विकली एक्ट करके, उस पर फटाफट फुर्ती से काम करके अपना जो लॉस्ट फोकस था, जो इसकी भूल थी, उसकी कर रहा है पूर्ति, भरपाई, मेकअप फॉर। अ ईयर आफ्टर केरला प्रॉम्प्ट एक्शन। देखिए अ ईयर आफ्टर, एक साल के बाद। अच्छा किस चीज़ के? केरला प्रॉम्प्ट एक्शन क्विकली ब्रॉट द डेडली नीपा वायरस इन्फेक्शन आउटब्रेक अंडर अ चेक। देखिए ये पूरा यहाँ तक है ना, ये एक ही सेंटेंस है कोमा तक। वैसे सेंटेंस तो आगे भी है, पर इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एक साथ समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि ये सेंटेंस क्या है। तो ये क्या कह रहा है, एक साल के बाद, किस चीज़ के? इसके। ये चीज़ क्या थी? केरला प्रॉम्प्ट एक्शन, केरला का जल्दी जल्दी चुस्त जो है एक्शन, जो उसने काम किया, एक्शन लिया, जिसने क्विकली ब्रॉट द डेडली नीपा वायरस, जो कि जल्दी जल्दी ब्रॉट ले आया, डेडली, डेडली मतलब घातक, नीपा वायरस इन्फेक्शन, नीपा वायरस का जो इन्फेक्शन है उसकी आउटब्रेक, आउटब्रेक आप जानते हैं ना, फैलना, प्रकोप होना, उसका जो प्रकोप है अंडर चेक। देखिए अंडर मतलब नीचे और चेक मतलब निगरानी, नियंत्रण में, निगरानी में ले आया एक साल के बाद उसके। अच्छा कहाँ पे? इन टू डिस्ट्रिक्ट्स, दो डिस्ट्रिक्ट्स में केरला के, कोझिकोड एंड मल्लापुरम, इन दो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है ये, इतनी चीज़ समझ लीजिए आप। अ ईयर आफ्टर मतलब एक साल बाद, और इस पूरे को एक साथ, एक साल किसके बाद? जब केरला ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और जल्दी जल्दी वो ले आया डेडली नीपा वायरस को अपने अंडर चेक, नियंत्रण में, उसकी आउटब्रेक को, दो डिस्ट्रिक्ट में, कोझिकोड और मन्नापुरम के। अच्छा क्या हुआ इसके एक साल बाद? द स्टेट हैज वंस अगेन, स्टेट को फिर से एक बार शोन, उसने दिखाया क्या, एलेक्रिटी। एलेक्रिटी क्या होती है? फुर्ती इन डीलिंग विद रिपोर्टेड केस। तो स्टेट ने फिर से एक बार एलेक्रिटी, जो फुर्ती है वो दिखाई डील करने में एक रिपोर्टेड केस के साथ। रिपोर्टेड मतलब ऐसा केस जो है रिपोर्ट किया गया, जो भी बताया गया। तो ये पूरी लाइन का मतलब ये हो। अब इसमें देखिए आपके पास तीन जो है ना सिनोनिम्स आए हैं, पहला है प्रॉम्प्ट, दूसरा है क्विकली और तीसरा है एलेक्रिटी। तो तीनों एक जैसे ही हैं, तीनों का मतलब यही होता है शीघ्रता से, जल्दी से और फुर्ती से। चलिए अ 23-year-old स्टूडेंट एडमिटेड टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल। देखिए एक 23 साल का बच्चा, 23 साल का लड़का, स्टूडेंट जो है एडमिट हुआ है, वो कहाँ पे? एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। अच्छा इन एर्नाकुलम, ये एक जगह का नाम है, तो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा कब हुआ? ऑन May 30th, 30 मई को। टेस्टेड पॉजिटिव, देखिए टेस्टेड पॉजिटिव का मतलब क्या है? टेस्ट हुआ और पॉजिटिव मिला। जब भी टेस्टेड पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब ये होता है कि उस आदमी को जिस टेस्ट के लिए, उसका जिस बीमारी के लिए टेस्ट किया गया था वो मिला पॉजिटिव। तो ये एर्नाकुलम में 30 मई को ये लड़का मिला पॉजिटिव फॉर द वायरस, नीपा वायरस की बात कर रहा है, नीपा वायरस के लिए मिला ऑन June 4th। तो ये क्या कह रहा है, 23 साल का लड़का स्टूडेंट जो कि एडमिट हुआ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एर्नाकुलम में 30 मई को, वो 4 जून को जो है उसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया इस वायरस के लिए।
बट इवन एज द गवर्नमेंट वॉज इट वो अवेटिंग कन्फर्मेशन, परंतु इवन यहाँ तक कि एज द गवर्नमेंट सरकार वॉज अवेटिंग, वो अवेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन क्या होता है? हरी झंडी। कन्फर्मेशन होता है मतलब आपको फाइनली हाँ मिल जाए किसी चीज़ के लिए, फाइनली आपको पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स मिले। तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स का अवेट कर रही थी किससे? फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। देखिए वायरोलॉजी ये जो वर्ड बना ना वायरोलॉजी, इसी बना वायरस से। तो वायरस जो है, वायरस का विज्ञान जो होता है ना, उसको बोलते हैं वायरोलॉजी, वायरोलॉजी बोलते हैं इसको सही, अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन पकड़ें तो। ये कन्फर्मेशन जो है इंतजार कर रहा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरस विज्ञान का नेशनल इंस्टीट्यूट, और ये है कहाँ? पुणे में। तो अभी ये क्या कह रहा है कि ये कन्फर्मेशन का इंतजार कर ही रहा था, इसी बीच इसने स्टेप्स हैड बिन टेकन टू प्रिवेंट द स्प्रेड। तो स्टेप्स उठा लिए, कदम उठा लिए, हैड बिन टेकन उठाए जा चुके हैं टू प्रिवेंट, रोकने के लिए स्प्रेड को, स्प्रेड मतलब फैलाव ऑफ द डिजीज, इस बीमारी का। तो ये बीमारी को रोकने के लिए कदम पहले ही उठा लिए इन्होंने। कैसे उठाए? बाय ट्रेसिंग द कॉन्टैक्ट्स। जो कॉन्टैक्ट्स है ना, जो लोग इस आदमी के, इस बच्चे के कॉन्टैक्ट में आए, उनको बोलेंगे कॉन्टैक्ट्स, उनको ट्रेस करके। ट्रेस करना आप जानते हैं ना, किसी का पीछा करना, किसी को ढूंढना, जैसे सिग्नल ट्रेस करते हैं आप जो है मोबाइल का। तो ये ट्रेस का मतलब वही है, ढूंढना। उन्होंने ढूंढ लिया उसके कॉन्टैक्ट्स को, जिस चीज़ से वो संपर्क में आया था, और क्या किया? सेटिंग अप आइसोलेशन वार्ड्स। देखिए आइसोलेशन क्या होता है? किसी चीज़ को अलग कर देना, और वार्ड्स आप जानते हैं हॉस्पिटल वार्ड्स। तो इसने ऐसे हॉस्पिटल वार्ड्स बना दिए जो कि आइसोलेशन के काम आते, मतलब जिसको बीमारी है उसको वहाँ अलग से आप जो है ट्रीट कर सको। इसने सेटअप किया आइसोलेशन वार्ड्स को, एंड पब्लिक इंगेजमेंट, पब्लिक की इंगेजमेंट को, पब्लिक को इसने बीच में इंगेज किया, शामिल किया, उनको अवेयर किया। तो ये क्या करें कि केरला ने अभी जो इसका इंतज़ार किया ही नहीं रिपोर्ट का, रिपोर्ट आने से पहले इसने स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए इस डिजीज़ के फैलाव को रोकने के लिए। कॉन्टैक्ट्स को इसने स्प्रेड करना जो है ट्रेस करना शुरू कर दिया, और आइसोलेशन वार्ड्स बनाने शुरू कर दिए, और पब्लिक को इसने इंगेज करना शुरू कर दिया, उसको जो है ये अवेयर करना शुरू कर दिया। टू हेल्थ केयर वर्कर्स हु हैड कम इनटू कॉन्टैक्ट। देखिए टू दो हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग, ऐसे कर्मचारी जो हेल्थ केयर में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज जो हैं अपने वार्ड्स के अंदर, जो हॉस्पिटल्स में होती हैं। तो दो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। कौन है वो, क्या उनका प्रोफेशन है, क्या उनकी डेजिग्नेशन है, वो नहीं बताया इसने। हु हैड कम इंटू कॉन्टैक्ट, जो कि संपर्क में आए, हैड कम आए, इंटू मतलब अंदर, और कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क, किससे? विद द पेशेंट, इस लड़के से, 23 साल के इस पेशेंट से। अच्छा उन्होंने क्या किया? एग्जिबिटेड सम सिम्टम्स। अब देखिए यह एग्जिबिट जो वर्ब है ना, इसका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ये हेल्थ केयर वर्कर्स ने एग्जिबिट किया, तो इन्होंने क्या एग्जिबिट किया, मतलब प्रदर्शित किया, सम सिम्टम्स, कुछ लक्षण प्रदर्शित किए इन्होंने, सिम्टम मतलब लक्षण, एंड आर बींग ट्रीटेड, और उनको ट्रीट किया जा रहा है, उनकी सेवा जो है, उनकी सार संभाल की जा रही है। वाइल 311 पीपल हु हैड कम इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट, वाइल जहाँ 311 पीपल, 311 लोग हु हैड कम, जो आ चुके हैं इन कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट इस आदमी से, इस लड़के से, क्लोज बड़ा नज़दीकी कॉन्टैक्ट संपर्क में, विद द स्टूडेंट, इस स्टूडेंट से, आर केप्ट इन आइसोलेशन। अच्छा उन सबको इसने आर केप्ट रखा हुआ है आइसोलेशन में, सबको इसने कीप किया हुआ है, रखा हुआ है आइसोलेशन, मतलब अलग किया हुआ है इनको। किस लिए किया? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, स्प्रेड मतलब फैलाव इस बीमारी का। तो 311 लोग जो इस लड़के से कॉन्टैक्ट में आए थे, क्लोज कॉन्टैक्ट में, उन सब के सबको आइसोलेशन वार्ड में रखा हुआ है, प्रिवेंट करने के लिए इस डिजीज़ के, इस बीमारी के फैलाव को। द नंबर्स माइट बी मोर, नंबर्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं, माइट भी हो सकते हैं, मोर ज़्यादा, इस 311 से भी ज़्यादा ये लोग हो सकते हैं। क्यों? अब देखिए डैश लगा के इसका रीज़न दे रहा है। द स्टूडेंट हैड रिपोर्टेडली ट्रेवल टू 4 डिस्ट्रिक्ट्स, रिपोर्टेडली, फिर से देखिए आइए आया है कल के एडिटोरियल की तरह, रिपोर्टेडली यहाँ भी मतलब कथित तौर पे, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जो है कथित तौर पे ट्रैवल कर चुका है 4 डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ, 4 जिलों में जा चुका है, एर्नाकुलम, थ्रिसूर, कोल्लम एंड इडुक्की, ये 4 जगह गया था स्टूडेंट। तो ये नंबर जो है ना 311 कह रहा है उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, रिसेंटली, रिसेंटली मतलब हाल ही में। कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द नीपा वायरस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए कंटेनिंग, इस वर्ब का मतलब है नियंत्रित करना,
नियंत्रण करना, उसको जो है अपने कंट्रोल में लाना, किसको, स्प्रेड को, फैलाव को, किसके, नीपा वायरस के। ये क्या है, इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अच्छा क्यों, एज जैसे कि द मोर्टेलिटी रेट वॉज 89% लास्ट ईयर। मोर्टेलिटी रेट, देखिए मोर्टल मतलब जो आदमी मर सकता है, मोर्टल मतलब जो कि अमर नहीं है, और मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, मृत्यु दर। तो मोर्टल से ही बना ये, मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कितने लोग मरते हैं, इसकी मोर्टेलिटी रेट थी 89%। मतलब 100, अगर 100 लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस डिजीज़ को, तो 89 जो है उसमें से मर जाते हैं। तो इस वायरस को कंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। मोर्टेलिटी रेट वो 89% हुआ करती थी पिछले साल के आउटब्रेक के दौरान। अच्छा किसने बताया 89% का आंकड़ा, अकॉर्डिंग टू अ पेपर इन जर्नल इंजीनियरिंग इन्फेक्शस डिजीज़। तो ये अकॉर्डिंग टू, आपको मालूम है ना, अकॉर्डिंग टू का मतलब है किसने बताई ये बात। तो ये अनुसार है, किसके अनुसार, एक पेपर के अनुसार, किसमें, इन जर्नल इमर्जिंग इन्फेक्शस डिजीज़। ये जर्नल का नाम है, जर्नल का नाम भी यही, जर्नल का मतलब यही होता है कि मैगजीन को आप बोल सकते हैं जर्नल, साइंस की जो मैगजीन्स हैं उनके लिए हम जर्नल यूज़ करते हैं। तो ये साइंस की जो मैगजीन थी, जर्नल था, उसका नाम था इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस, उसने बताया ये। द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन इन द इंडेक्स केस, देखिए सोर्स जानते हैं ना आप, मूल कारण जो होता है, जो आधार होता है, जो जरिया होता है। तो ये जरिया जो इस इन्फेक्शन का है, नीपा इन्फेक्शन का, इन द इंडेक्स केस, देखिए इंडेक्स केस के क्या है, यहाँ पे ऐसा केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने डॉक्यूमेंट कर लिया है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी हमने लिस्ट में नाम डाल लिया है। तो ये इंडेक्स केस की बात कर रहा है इस स्टूडेंट की, देखिए ब्रैकेट में इसने बताया भी है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट का जो केस है ना, जो कि इंडेक्स केस है, उसका जो सोर्स है, उसका जो जरिया था उस इन्फेक्शन का, रिमेंस अननोन। वो रिमेंस, वो रहता है अभी भी अननोन, जो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता इसका सोर्स क्या है। हाउएवर, हालांकि ट्रांसमिशन टू 18 कॉन्टैक्ट्स लास्ट ईयर। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ला करके दे देना। तो जो आगे जो भेजा गया, ये जो एक जगह से दूसरी जगह फैला फैला जो ये कहाँ पे, 18 कॉन्टैक्ट्स, 18 संपर्कों पे लास्ट ईयर, पिछले साल। एंड द टू हेल्थ केयर वर्कर्स दिस ईयर, अभी दो हेल्थ केयर वर्कर जो कि इस साल, उनको भी ये ट्रांसमिट हुआ हैज़ बीन ओनली थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन राउट। ये हैज़ बीन ओनली, ये केवल थ्रू किसके, वाया, वाया किसके या रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब आदमी से आदमी में, और राउट मतलब रास्ता। तो ये कह रहा है कि इसका जो ओरिजिनल सोर्स है ना, वो तो अभी भी मालूम नहीं है, परंतु इसका ट्रांसमिशन जो पिछले साल हुआ था 18 लोगों को, और इस साल हुए 2 हेल्थ केयर वर्कर्स को, वो हुआ है उस रास्ते से जिसका नाम है ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब आदमी टू आदमी। चलिए, इफ केरला वॉज टेकन बाई सरप्राइज़। देखिए टेकन बाई सरप्राइज़ का मतलब है आश्चर्यचकित होना, शॉक लगना, झटका लगना। तो ये अगर केरला को झटका लगा, केरला को आश्चर्य आश्चर्य हुआ बाय द फर्स्ट आउटब्रेक, जब पहली बार इसका आउटब्रेक हुआ था, फर्स्ट मतलब पहली बार, आउटब्रेक मतलब फैलाव, पहली बार इसका प्रकोप लास्ट ईयर पिछले साल। इट्स री अकरेंस स्ट्रॉन्गली सजेस्ट, देखिए री अकरेंस, अकर होना मतलब किसी चीज़ का घटित होना, री लगा दिया मतलब फिर से, तो फिर से जो घटना हुई है, ये जो फिर से फैल गया, री अकरेंस मतलब दोबारा जो दूसरी बार हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करता है, ये बड़ा मजबूती से, बड़ा अच्छे तरीके से बता रहा है हमें, दैट द वायरस इज़ इन सर्कुलेशन, कि वायरस जो है ना वो सर्कुलेशन में, अभी भी वायरस अभी भी घूम रहा है, कहाँ पे, इन फ्रूट बैट्स। फ्रूट बैट्स आप जानते हैं, ऐसे बैट्स, ऐसे चमगादड़ जो कि फलों से संबंधित है, तो ये फ्रूट बैट्स जो है ना, उनके अंदर अभी भी सर्कुलेशन में है, अभी भी ये वायरस घूम रहा है। ये चीज़ स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करती है इसकी रिकरेंस, इसका फिर से इस वायरस का इस साल सामने आना। अगर केरला पिछली बार जो इसका फर्स्ट आउटब्रेक था लास्ट ईयर, उससे सरप्राइज हुआ है, तो आफ्टर ऑल, हालांकि, या इसको आप यूँ कहिए कि सब चीज़ों के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, ऑल मतलब सब चीज़ों, तो सब चीज़ों के बाद, आफ्टर ऑल द वायरस आइसोलेटेड फ्रॉम पोअर पीपल। जिस वायरस को आपने आइसोलेट किया, देखिए आइसोलेट का मतलब अलग करना, अभी ऊपर हमने देखा था, तो जिस वायरस को हमने आइसोलेट किया फ्रॉम पोअर पीपल, चार लोगों से, मतलब चार लोगों से उनके ब्लड के सैंपल से इस वायरस को निकाला बाहर, एंड थ्री फ्रूट बैट्स, और तीन फ्रूट बैट्स के ब्लड के सैंपल से। अब देखिए फ्रूट बैट का यहाँ पे इसने साइंटिफिक नेम बताया,
टेरोपस मीडियस, यहाँ पे पी शायद साइलेंट है मेरे हिसाब से, तो टेरोपस मीडियस। देखिए आरसी के अंदर इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रूट बैट्स जो है साइंटिफिकली क्या कहा जाता है उनको, बड़ा इजी सा क्वेश्चन होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको। तो मेरे हिसाब से तो आपको आरसी के क्वेश्चंस पहले पढ़ लेने चाहिए और बाद में पूरे एडिटोरियल को या पूरे आर्टिकल को आपको लेना चाहिए। तो ये तीन फ्रूट बैट्स जो हैं उनसे बेटा निकाला गया, और किससे निकाला गया, चार पीपल से, चार लोगों से, लास्ट ईयर पिछले साल, फ्रॉम केरला, और जो कि सबके सब थे केरला से। ये क्लियरली इंडिकेटेड, ये क्या साफ साफ इंडिकेट करता था दैट द कैरियर ऑफ द नीपा वायरस, कैरियर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, तो कैरियर मतलब ट्रांसमिट करने वाला जो नीपा वायरस को है, विच कॉज द आउटब्रेक, जिसने कॉज, जो कारण बना आउटब्रेक का, जो इस पूरी महामारी का कारण बना, वॉज द फ्रूट बैट। फ्रूट बैट ही है जो इसका कारण बना, अकॉर्डिंग टू द पेपर इन इमर्जिंग इन्फेक्शस डिजीज। अब देखिए ये भी इसी पेपर ने बताया, इमर्जिंग इन्फेक्शस डिजीजेज, इसने क्या बताया कि कुल मिलाकर के जो वायरस है जिसको आइसोलेट किया चार लोगों से और तीन फ्रूट बैट से पिछले साल केरला से, वो इंडिकेट यही करता है कि जो कैरियर है ना, उससे निष्कर्ष ये निकला कि कैरियर जो इस वायरस का था जिसने इस आउटब्रेक को कॉज किया, जो कारण बना इस आउटब्रेक का, वो फ्रूट बैट ही है। चलिए एनालाइजिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, एनालाइज करते हुए, विश्लेषण करते हुए, इवोल्यूशनरी, देखिए इवोल्यूशन क्या था, विकास, जो बंदर से आदमी बना है ना उसको बोलते हैं इवोल्यूशन, इस विकास को बोलते हैं इवोल्यूशन। तो विश्लेषण अगर करें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का, जो रिश्ते हैं विकास के, मतलब बंदर से आदमी बना है और सांप से जो है केंचुआ बना है या केंचुए से सांप बना है, तो ये रिलेशनशिप्स हैं, जैसे बिल्ली से ही जो है शेर बना है, टाइगर बना है, तो ये रिलेशनशिप जो है ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इनको अगर हम विश्लेषण करें इनको, द स्टडी फाउंड, इस स्टडी ने क्या पाया, 99.7 to 100% सिमिलरिटी, सिमिलरिटी मतलब समानता, इसने पाया कि 99.9% से 100% के बीच में समानता बिटवीन द वायरस इन ह्यूमंस, जो वायरस अब किस किस के बीच, बिटवीन वायरस इन ह्यूमंस एंड बैट्स, आदमी और बैट्स के बीच में जो वायरस है ना उसका स्ट्रक्चर एक जैसा ही था, इतने परसेंटेज तक ये पाया स्टडी ने। द कन्फर्मेशन ऑफ द सोर्स, देखिए कन्फर्मेशन आ गई मतलब जो आपको फाइनली मालूम चला, तो कन्फर्मेशन ऑफ द सोर्स, सोर्स मतलब जरिया, तो जरिए की जो कन्फर्मेशन है, जो फाइनल जो उसका निष्कर्ष है, एंड द रीअकरेंस, रीअकरेंस फिर भी आपने देखा अभी फिर से जो आना किसी चीज़ का, तो कन्फर्मेशन ऑफ द सोर्स एंड रीअकरेंस मीन, अब ये क्या मीन करता है, दैट द केरला मस्ट बी अलर्ट, कि केरला को अलर्ट होना चाहिए, उसको जो है मुस्तैद होना चाहिए टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार होने वाले आउटब्रेक, आप जानते हैं। ये क्या कह रहा है, कन्फर्मेशन भी हो गई है सोर्स की और रिएकरेंस बार बार हो भी रहा है, इसका मीन यही है केरला को जो है अलर्ट होना चाहिए जो संभावना है बार बार इसका आउटब्रेक होने की, इवन इन द एब्सेंस ऑफ हार्ड एविडेंस, देखिए इवन यहाँ तक कि इन द एब्सेंस, अनुपस्थिति में किसकी, हार्ड एविडेंस, हार्ड एविडेंस क्या है, ऐसी एविडेंस, ऐसे तथ्य, ऐसे प्रमाण जो कि हार्ड है, हार्ड मतलब बिल्कुल क्लियर हैं, एकदम साफ सुथरे हैं, देखते ही मालूम पड़ रहे हैं, तो हार्ड एविडेंस की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में किसकी, ऑफ द सोर्स, सोर्स ऑफ द वायरस, इस वायरस के सोर्स की, जरिए की, टिल अ फ्यू डेज अगो, देखिए अभी तक जो इसकी हार्ड एविडेंस जो है वो 4 मई से पहले, 4 जून से पहले नहीं आई थी, यही कह रहे हैं टिल तक, कब तक, अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले तक, फ्रूट बैट्स वर वाइडली बिलीव टू बी द लाइकली कैंडिडेट्स, तो ये हार्ड एविडेंस कुछ दिन पहले तक तो थी नहीं, परंतु फ्रूट बैट्स जो थे वो वाइडली मतलब व्यापक रूप से बिलीव टू बी, समझे जाते थे, माने जाते थे लाइकली कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट मतलब प्रत्याशी, लाइकली जो संभावित है, मतलब लोगों को ये लगता था कि ये ही है सबसे पहले, अगर किसी पे शक जाता था तो वो जाता था फ्रूट बैट्स पे, वाइडली व्यापक रूप से। दैट बींग सेड, अगर ऐसा देखा जाए, इसको अगर हम कह दें, अगर इस बात को मान लें, एंड कंसिडरिंग द वेरी हाई, कंसिडरिंग मतलब ध्यान में रखना, ध्यान में रखते हुए किसको, द वेरी हाई मोर्टेलिटी रेट, इतनी हाई, इतनी ऊपर जो मोर्टेलिटी रेट है 89% व्हेन इन्फेक्टेड विद द वायरस, इस वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद 89% की जो रेट है, इसको ध्यान में रखते हुए और इस बात को कि इसका जो वायरस है वो फ्रूट बैट से फैलता है, इट इज़ शॉकिंग, ये बड़ा शॉकिंग है, ये बड़ा झटका देने वाला है, दैट केरला हैड नॉट अंडरटेकन, केरला ने हैड नॉट, नहीं लिए हैं, नहीं ले ले चुका है, अंडरटेकन, अंडरटेक करने का मतलब क्या होता है,
अंडर मतलब नीचे और टेक मतलब लेना। केरला ने अभी तक शुरू नहीं किया है क्या? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस। कंटिन्यूस मतलब लगातार, मॉनिटरिंग आप जानते हैं किसी चीज़ की देख रेख, और सर्वेलेंस भी वही होता है निगरानी। तो लगातार देख रेख और निगरानी केरला ने अभी तक अंडरटेक नहीं की है फॉर द वायरस इन फ्रूट बैट्स, इस वायरस के लिए, किस में? फ्रूट बैट्स में। मतलब अभी इतना तो इनको मालूम ही था कि फ्रूट बैट्स ही हैं और बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट है इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद। तो ये बड़ा शॉकिंग है कि केरला ने अभी तक जो है इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस, जो निगरानी इस वायरस की, नहीं की है। चलिए, वन रीज़न फॉर द फेलियर कुड बी। अब इस फेलियर का वन रीज़न, एक कारण किसका? इस फेलियर का, इस असफलता का, कुड बी हो सकता है द एब्सेंस ऑफ ए पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी। एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति किसकी? अ पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी की, एक ऐसे डिपार्टमेंट की जो पब्लिक हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए हो। तो ऐसी कोई एजेंसी केरला में अभी नहीं है। अच्छा, ये इसकी बात कर रहा है इस एजेंसी के आगे, विच द गवर्नमेंट हैज़ बीन इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, जिसको, विच द गवर्नमेंट, सरकार हैज़ बीन, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो प्रोसेस में हैज़ बीन इन प्रोसेस, वो जो है उसकी पाइपलाइन में है, वो भी प्रोसेस में, किस प्रोसेस में? ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इसको बनाने की, इसके बनने की प्रोसेस में है फॉर ओवर 5 ईयर्स। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ बीन, जब भी आता हैज़ बीन, हैव बीन, तो उसके साथ में आप यूज़ करते हैं सिंस या फॉर। तो यहाँ पे फॉर आया है और आगे दिया है पीरियड, टाइम पीरियड 5 ईयर्स। तो ये क्या कह रहे हैं, ये एजेंसी है जिसको 5 साल से गवर्नमेंट बनाने की प्रोसेस में है, फॉर्मुलेट करने की प्रोसेस में है। टू ट्रैक, अब ये एजेंसी का काम क्या है? टू ट्रैक, ट्रैक करने का काम है इसका, सच इन्फेक्टिव एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स को। एजेंट्स का मतलब क्या है? जो लोग, एजेंट लोग भी हो सकते हैं और वायरस भी हो सकते हैं। एजेंट का मतलब यही है जो आदमी एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इन्फेक्टिव एजेंट कौन है? जो इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रैक करें ऐसे इन्फेक्शन करने वाले एजेंट्स को, ह्यूमन हो चाहे बैट्स हो, बिफोर दे स्ट्राइक, इससे पहले कि, बिफोर दे स्ट्राइक, वार करें। तो इस पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी का मतलब यही है, जिसको गवर्नमेंट 5 साल से बना भी रही है, कि वो ट्रैक करे ऐसे इन्फेक्टिव एजेंट्स को पहले ही, इससे पहले कि वो स्ट्राइक करें, वार करें, हमला करें। नॉट ओनली शुड केरला गेट दिस एजेंसी अप एंड रनिंग, नॉट ओनली, न केवल, शुड केरला, केरला को करना ही चाहिए क्या? गेट दिस एजेंसी अप एंड रनिंग। देखिए अप एंड रनिंग का मतलब समझ में आ गया, तो सेंटेंस समझ में आ गया, अप मतलब ऊपर और रनिंग मतलब चलना। तो किसी चीज़ को पहले आप अप करें मतलब उठाएं, और फिर रनिंग मतलब आगे दौड़ाएं, मतलब पहले उसको बनाएं और फिर आगे बढ़ाएं, चलाएं। तो जो केरला की जो गवर्नमेंट है उसको न केवल इस एजेंसी को अप एंड रनिंग करना है, मतलब बनाना है और चलाना है सून, जल्दी। इट शुड ऑल्सो इक्विप द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी, इसको साथ ही साथ, शुड ऑल्सो साथ ही साथ ये भी करना चाहिए क्या? इक्विप करना है। देखिए इक्विपमेंट से बना, इक्विपमेंट होते हैं औजार, और इक्विप जो वर्ब है उसका मतलब है औजार डालना, किसी को लैस करना। तो ये इसको लैस कर देना चाहिए, औजार डाल देना चाहिए, किसमें? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी, इस इंस्टीट्यूट में, एडवांस वायरोलॉजी के। अब ये है कहाँ? इन तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम के इस इंस्टीट्यूट को, इसको लैस करना चाहिए, उसमें जो है सही जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ डालने चाहिए। किस काम के लिए? टू अंडरटेक टेस्टिंग, अंडरटेक मतलब अपने नीचे लेना, और टेस्टिंग आप जानते हैं, तो टेस्टिंग के काम की जिम्मेदारी लेने के लिए। ऑफ डेंजरस पैथोजेंस, देखिए पैथोजेंस क्या होते हैं? रोगाणुजनक, ऐसी चीज़ें पैथोजेंस हैं जो आपको डिजीज़ देती हैं, ऐसे सब वायरसेस, सब फंजाई और सब के सब प्रोटोजोअल्स। तो इसको काम करना चाहिए सब तिरुवनंतपुरम के इंस्टीट्यूट को, ऐसा लेस करने के लिए इन इक्विपमेंट से, जो कि टेस्ट कर पाए इन डेंजरस, इन घातक पैथोजेंस को। नोन फॉर हाई हेल्थ इंडिकेटर्स, नोन फॉर जो जाना जाता है, हाई मतलब ऊंचे, हेल्थ इंडिकेटर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स क्या हैं? ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे मानक जो कि आपकी हेल्थ बताते हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, 100 में से कितने बच्चे, 1000 में से कितने बच्चे वहाँ मरे हुए मिलते हैं, कितने बच्चे मदर्स हैं जो प्रोसेस में, चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस में मर जाती हैं, ये सब हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। तो केरला जानता है, जाना जाता है इनके हाई होने के रूप में, मतलब केरला में बहुत अच्छी स्थिति है इन हेल्थ इंडिकेटर्स की। तो केरला कैन नॉट लैग बिहाइंड, वही कह रहा है केरला लैग नहीं कर सकता पीछे, केरला को पिछड़ना नहीं चाहिए, किस पे? ऑन द इन्फेक्शियस डिजीज फ्रंट, इस फ्रंट पे, इस मुद्दे पे जो कि संबंधित है इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन वाली, फैलने वाली बीमारियों से,
मतलब केरला जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है हेल्थ के इंडिकेटर्स के रूप में, तो अब उसको पिछड़ना नहीं चाहिए, लैग बिहाइंड नहीं होना चाहिए इन इन्फेक्शस डिजीज़ के फ्रंट पर। चलिए इसी के साथ पूरा हुआ आज का एडिटोरियल। एक नई एक्टिविटी हम शुरू करने जा रहे हैं, आपको करना क्या है, हर एडिटोरियल में से दो वर्ड्स को जिनको आपने पहले कभी नहीं सुना था और इस एडिटोरियल में पहली बार सुना आपने उनका मीनिंग जो आपको मालूम चला, उनको कमेंट्स में डालिए, या बेहतर होगा उन वर्ड्स को आप यूज़ करके दिखाइए किसी सेंटेंस के अंदर। इससे होगा क्या, जब किसी चीज़ को आप लिख लेते हैं ना खुद से बना करके, उसके बाद आप उसको नहीं भूलते, और इसी तरह से आपको दूसरे लोगों के कमेंट्स देखने को मिलेंगे, दूसरे नए वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो एक रोज़ की एक्सरसाइज आपकी वोकैबुलरी की चलती रहेगी। फिर से मुलाकात होगी कल के एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए योर इंग्लिश ट्यूटर साइनिंग आउट।